कांतिलाल भूरिया ने दिया था यह अजीबोगरीब बयान। ये ऐलान किया था एक जनसभा में, कहा कि हर महिला के खाते में 1,00,000 रुपए भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी और जिसकी 2 बीवियां हैं उसे मिलेंगे 2,00,000 रुपए। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी कि जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको भी डबल। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1,00,000 रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1,00,000 सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो कांतिलाल भूरिया के बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान पर पलटवार किया। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की, बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1,00,000 रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2,00,000 मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के प्रति। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसा ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3,00,000 देंगे, ये देंगे कहां से? इटली से ला के देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है उनके वादे पर। तो भोपाल में भी बीजेपी का कांतिलाल भूरिया के बयान पर तंज आया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने बयान दिया कि महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान देते हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद महिलाओं में पहले ही आक्रोश था, अब चुनाव में महिला शक्ति कांग्रेस को जवाब दे रही है। के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने की का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2,00,000 रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतर कर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान की का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। खंडवा में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 50% आबादी अब इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी और 4 जून को जनता जवाब दे। के चुनावी रण में 4थे चरण में मतदान से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। कांतिलाल भूरिया के एक बयान ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा खंडवा पहुंची है, बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है और कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है महिलाओं का मानसिक शारीरिक इस प्रकार का शोषण। चंद दिन पहले कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला में चाशनी ढूंढ रहे थे,
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिला को आइटम कह के संबोधित करते हैं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महिला को अपनी ही पार्टी की टंचमाल कहते हैं, और जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी का है, ये 50% की जो आबादी है वो स्वीकार नहीं करेगी। और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से जो इनकी सोच है, जो इनका विचार है, जो इनका आचरण है, उसका जवाब 4 जून को ये जनता देगी। बिल्कुल, तो ये नेहा बग्गा जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलनरत रहेगी, वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी कटाक्ष किए। अमित जायसवाल, News 18। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक के बाद एक इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए ना सिर्फ वजीहत वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं बल्कि काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो मातृशक्ति के नाम पर लगातार महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान। अजीत, देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं रही हैं, चाहे विधानसभा चुनावों की बात हो, वहां पर कांग्रेस ने कई सारी गारंटियां जो है वो महिलाओं के लिए दी थी, लेकिन वो मैसेज जो है वो डिलीवर बहुत बेहतर रूप से नहीं हो पाया और वहां पर कांग्रेस के लिए विपरीत नतीजे आए। एक बार फिर से जब लोकसभा के चुनाव आए तो दिल्ली से राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और उस बात को कोशिश ये की गई कि प्रभावी रूप से महिलाओं तक पहुंचाया जाए, लेकिन महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के जो बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अब मुसीबत का सबब कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जीतू पटवारी अपने एक बयान को लेकर मुश्किलों में फंसे, विवादों में रहे, कई तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, खेद व्यक्त करना पड़ा, और उसके बाद अब कांतिलाल भूरिया जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्यप्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उनका एक बयान सामने आना कि दो शादी यानी कि डबल 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और उस पर वहां पर जीतू पटवारी मंच पर रहते हैं और उस बयान पर एक से मुहर लगाते हुए भी वो नजर आते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत का सबब कहीं ना कहीं बन गया है और बीजेपी इस मुद्दे को जमकर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक विरोध के स्वर जो है वो सुनाई दे रहे हैं और अब देखना होगा कि कांग्रेस चौथे चरण का जो आखिरी चरण मध्य प्रदेश में है उससे पहले इस तरह के बयानों पर सियासी जो रोटियां हैं वो जरूर सेकी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए वासु। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम सामने आया। मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इसीलिए भारत को पाकिस्तान के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। okay. और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है, ये भी है, हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी? मस्कुलर पॉलिसी यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं, ये भी है, और कहीं